हेलो दोस्तों, नासरीन लाइक टेक में आपका फिर से स्वागत है। सो कैसे हैं सब, आशा करता आप लोग अच्छे होंगे अच्छे रहोगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में दोस्तों एक कूलर मोटर को रीवाइंडिंग करना सीखने वाले हैं। जैसा कि फ्रेंड्स यहां पर आप जो स्टेटर देख रहे हो दोस्तों, ये हमारी लोकल कूलर मोटर की स्टेटर है, जो फ्रेंड्स आपको मार्केट में बड़े ही सस्ते दामों में ये कूलर मोटर आपको आसानी से मिल जाती है। यानी कि फ्रेंड्स 500 से 600 रुपये के बीच में दोस्तों ये कूलर मोटर आपको आसानी से मिल जाएगी। यहीं पे फ्रेंड्स अगर इस कूलर मोटर की बात की जाए तो दोस्तों ये कूलर मोटर हमारे यहाँ पर जो है कुछ इस तरह की दिखती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी जो वाइंडिंग होती है दोस्तों, ये हमारी एल्युमिनियम वाइंडिंग में आती है। इस वीडियो में आपके यहाँ पे जो है सारा प्रोसेस दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, एक मोटर को रिवाइंड करने के लिए हमें एक जो परफेक्ट वाइंडिंग डाटा की जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स इस स्टेटर को रिवाइंड करने के लिए यहाँ पे हमें जो है SWG कौन सी रखनी है, क्वाइल टर्न हमारी यहाँ पे जो क्या होगी, क्वाइल पिच हमारी यहाँ पे दोस्तों क्या होगी, और मायने रखती है फ्रेंड्स यहाँ पे क्वाइल डिस्टेंस। तो दोस्तों यहाँ पे क्वाइल डिस्टेंस हमें यहाँ पे कितना रखना है, जब जाके फ्रेंड्स यहाँ पे इस मोटर के लिए क्वाइल यहाँ पे फिनिशिंग भी काफी अच्छा हो और इस मोटर के लिए परफेक्ट साइज भी होना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। साथ फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि न्यू लेटेस्ट हमारी आने वाली वीडियो जगह आप लोग को जल्द देखने को मिले। तो चलिए फ्रेंड्स टाइम को बिना गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रिवाइंड करने से पहले दोस्तों इस मोटर की हम यहाँ पे जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। यहाँ पे जो आप स्लॉट देख रहे हैं दोस्तों, इस मोटर में आपको यहाँ पे जो है 24 स्लॉट मिलेगी। यहीं पे फ्रेंड्स अगर इसकी RPM की बात की जाए तो दोस्तों ये मोटर आपको यहाँ पे जो है 1440 RPM में आती है। साथ फ्रेंड्स 220 वोल्ट पे दोस्तों ये हमारी मोटर रन भी करती है। फ्रेंड्स इसमें जो हमारी पंखी लगी आती है दोस्तों, या तो 3 पत्ती में आती है, ज्यादातर फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो 5 पत्ती में आती है। दोस्तों चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इस मोटर की हम आउटर डाई और इनर डाई हम जान लेते हैं। सबसे पहले इस स्टेटर की यहाँ पर जो है मोटाई हम जान लेते हैं। तो जैसा फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इसकी मोटाई की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारी जो 16 mm के आसपास आ रही है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर से 1 पॉइंट यहाँ पर हमारी जो है ये ज्यादा है। यहीं पे फ्रेंड्स अगर इसकी जो है इनर डाई की बात की जाए तो इनर डाई फ्रेंड्स यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर की यहाँ पे जो आ रही है। आउटर डाई की बात की जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे आउटर डाई फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये हमारी जो टोटल यहाँ पे जो 5 इंच की आ रही है, देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम डाटा की बात करते हैं। आपको यहाँ पे डाटा बता देता हूँ और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इसे हम रिवाइंड करना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने जो है इसकी जो है क्वाइल बना ली है। यानी कि दो ग्रुप है, ये हमारी जो है स्टार्टिंग क्वाइल की है, ये हमारी फ्रेंड्स यहाँ पे रनिंग क्वाइल की है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले इस स्लॉट में हम रनिंग क्वाइल को इंस्टॉलेशन करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले हम रनिंग क्वाइल पे बात करते हैं। यहाँ पे जो रनिंग क्वाइल आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें हमने यहाँ पे जो है 30 नंबर की एल्युमिनियम वायर को यूज किया है। रनिंग क्वाइल में जो हमारी स्टैंडर्ड वायर गेज होगी दोस्तों, वो हमारी जो है 30 नंबर होगी। यहीं पे फ्रेंड्स इसकी अगर क्वाइल टर्न की बात की जाए, हमने यहाँ पे जो एक क्वाइल की जो माला बनी है दोस्तों, वो हमारी जो है 200 टर्न। यहाँ पे जो हमारी क्वाइल टर्न होगी यानी कि 200 टर्न होगी। अगर यहाँ पे जो क्वाइल डिस्टेंस की बात की जाए तो रनिंग क्वाइल को हमने यहाँ पे जो है 20.5 इंच पे बनाई है। रनिंग क्वाइल की जो पिच होगी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है 1 से 4 यहाँ पे जो है 1 राउंड और 1 से 6 फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो है 2 राउंड होगी। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारी यहाँ पे जो है रनिंग क्वाइल की डाटा है। अब फ्रेंड्स बात आती है यहाँ पे स्टार्टिंग क्वाइल की। स्टार्टिंग क्वाइल को हम यहाँ पे जो 32 नंबर एल्युमिनियम वायर से दोस्तों यहाँ पे हम इसे रिवाइंड करने वाले हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर इसकी क्वाइल टर्न की बात की जाए तो दोस्तों एक क्वाइल में हमने यहाँ पे जो है 190 टर्न की यहाँ पे हमने जो माला बनाया है। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर क्वाइल डिस्टेंस की बात की जाए तो दोस्तों ये हमारी माला दोस्तों यहाँ पे जो है 20 इंच पे हमने यहाँ पे जो है बनाया, यानी फरमा को दोस्तों यहाँ पे हमें जो है 20 इंच पे हमें जो है सेट करनी है। क्वाइल पिच की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे इसकी भी क्वाइल पिच सेम ही होगी। यानी कि दोस्तों 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड हम यहाँ पे मुझे करनी है। फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे 30 नंबर की जो है वायर ले लिया है और यहाँ पे 200 टर्न वाली। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे क्वाइल को हम सबसे पहले डालते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे क्वाइल को डालने से पहले आपको यहाँ पे एक चीज की ध्यान रखनी है, इनर वायर है दोस्तों, आप जैसे किस तरफ रखना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों इसे आप जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी रख सकते हैं और राइट हैंड साइड की तरफ भी रख सकते हैं। आपको जिस तरह से इच्छा होगी दोस्तों, आप जैसे रिवाइंड कर सकते हैं। इस क्वाइल की जो हम लूप रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम जो है इसे राइट हैंड साइड की तरफ रख रहे हैं, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ। सिर्फ आपको यहाँ पे जो कनेक्शन देखते जानी है, यानी कि 1 से 3 आपकी यहाँ पे जो क्वाइल सीरीज होगी, यानी कि एक दूसरे से हमारी जो क्वाइल सीरीज होगी 1 से 3 में जाएगी कनेक्शन। इस चीज को आपको ध्यान रखते हुए दोस्तों आपको यहाँ पे जो कूलर को रिवाइंड करते जानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो है एक क्वाइल को जो स्लॉट में डाल लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे 2 स्लॉट छोड़ के 3री स्लॉट में जाके हम यहाँ पे जो क्वाइल को इंस्टॉल कर देनी है। यानी कि हमने आपको बताया था दोस्तों, क्वाइल पिच जो हमारी होगी 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो कुछ इस तरह से क्वाइल को जो है डाल लिया है। अभी फ्रेंड्स क्या करते हैं, 1 राउंड तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आइए फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्लॉट को हम लॉक कर देते हैं। 1 राउंड हो जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या करनी है, क्वाइल को हमें जो कुछ इस तरह से, यानी कि बाएं हाथ से हमें जो कुछ इस तरह से पकड़नी है और फोल्ड हमें जो है कुछ इस तरह से कर लेनी है क्वाइल को। आइए हम फोल्ड इस तरह से करके और यहाँ पर जो स्लॉट हम डाल देते हैं। तो
तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप इसकी जस्ट जो कॉइल आप डाले हैं, इसके जस्ट हमें यहाँ पे जो है पीछे वाली स्लॉट में यहाँ पे मुझे कॉइल को डाल लेनी है। यहाँ पे मुझे 1 से 6 में यहाँ पे जो है 2 राउंड करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे जो सेपरेटर पेपर लगा देते हैं। दोबारा फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कॉइल को जो है उसी स्लॉट में डाल देंगे। तो कॉइल को मुझे कुछ इस तरह से यहाँ पे मुझे फोल्ड करनी है, यानी कि कुछ इस तरह से। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे कॉइल को कुछ इस तरह से फोल्ड कर लिया है और स्लॉट में दोस्तों हम डाल देते हैं। जिस स्लॉट में हम फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो कॉइल को डाला है उसी स्लॉट में हमें जो है फिर से कॉइल को डाल देनी है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है एक सेपरेटर पेपर लेनी है और दोस्तों इस स्लॉट को हमें यहाँ पे जो है लॉक कर लेनी है। दूसरी साइड जो हमारी कॉइल बची हुई है, चलिए उसको भी फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो है उसी स्लॉट में हम डाल देते हैं। तो आपको यहाँ पर जो अगर वायर छोटा हो रहा है तो यहाँ पर कुछ इस तरह से वायर को खींच लीजिए और स्लॉट में जो है डाल दीजिए 1 से 6 वाली में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है 1 से 6 में यहाँ पे हमारी जो है 2 राउंड हो चुकी है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है एक सेपरेटर पेपर लेते हैं और इस स्लॉट को भी हम क्या करते हैं लॉक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी एक कॉइल जो है डल के कम्प्लीट हो चुकी है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या करनी है, कॉइल को हमें जो है शेप में ले आनी है ताकि यहाँ पे हमें जो है और भी कॉइल को डालनी है और हमारी कॉइल जो है दोस्तों वो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगे। कॉइल को कुछ इस तरह से खींच के और यहाँ पे जो है शेप में ले आइए और कॉइल को जो है कुछ इस तरह से मोड़ लीजिए, फोल्ड कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉइल हमारे यहाँ पे जो डल के कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी जो कनेक्शन होगी ये हमारी जो राइट हैंड साइड की तरफ है और दोस्तों ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। दोस्तों इसकी लूप हमें यहाँ पे जो लेफ्ट में ही पहुँचाना है, ये हमारी लेफ्ट है और दोस्तों इसे हम राइट में पहुँचा देते हैं तो हमारे यहाँ पे कनेक्शन दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाएगी और मोटर हमारे यहाँ पे हीट होकर खराब हो जाएगी। जल्द ही दोस्तों यहाँ पे तुरंत ये जल के खराब हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है हमारी मोटर हीट होगी। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो है इस कॉइल को उठा लिए हैं और कॉइल को हम यहाँ पे जो है पलट लिया है। तो कॉइल को पलटने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है एक स्लॉट छोड़ के और यहाँ पे जो है उसके अगले स्लॉट में यहाँ पे जो कॉइल को डाल देंगे। तो आइए यहाँ पर हम जो है एक स्लॉट में डाल लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे 2 स्लॉट छोड़ के 3री स्लॉट में जाकर हम यहाँ पे कॉइल को इंस्टॉल कर देंगे तो हमारी यहाँ पे जो कॉइल पिच हो जाती है 1 से 4 1 राउंड कम्प्लीट। तो आइए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सेपरेटर पेपर लेते हैं और इसे लॉक करते हैं। फ्रेंड्स इसे लॉक करने के बाद आप यहाँ पे एक बार मिला लीजिए कनेक्शन, आपने अभी कॉइल डाला दोस्तों इसकी सही है कि नहीं, लेफ्ट यहाँ पे निकली हुई है दोस्तों तो लेफ्ट में ही ये हमारा कनेक्शन जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमारे यहाँ पे जो कनेक्शन ये हमारी गई हुई है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो हमेशा ध्यान रखने हैं, कनेक्शन आपको यहाँ पे गलत नहीं डालना है। कनेक्शन गलत डालेंगे आपकी यहाँ पर मोटर की स्पीड नहीं होगी फ्रेंड्स और आपकी मोटर यहाँ पर फूक जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कॉइल को कुछ इस तरह से मोड़ लेते हैं और स्लॉट में हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो 1 से 6 फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो राउंड कंप्लीट हो चुकी है। तो आइए यहाँ पर हम एक तरफ से सेपरेटर पेपर लगाते हैं ताकि यहाँ पे जो है कॉइल को डालेंगे स्लॉट में तो हमारी कॉइल दोस्तों बाहर ना निकले। फिर से हम कॉइल को कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे, उसी स्लॉट में दोस्तों यहाँ पर हम कॉइल को डाल देंगे। तो आइए यहाँ पर हम जो है कॉइल को डाल देते हैं। फ्रेंड्स रनिंग कॉइल की दूसरी सेट भी यहाँ पे डल के कंप्लीट हो चुकी है। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम कॉइल को जो है शेप में ले आते हैं और कॉइल को हम यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कॉइल को जो फोल्ड कर लिया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी 3री कॉइल की बात आती है। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ कॉइल को उठाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है 3री कॉइल को उठा लिया है दोस्तों, इसकी जो लूप निकली हुई है आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ निकली हुई है, यानी कि दोस्तों इसकी जो कनेक्शन होगी राइट में ही हमें पहुँचाना है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे हम इस कॉइल को राइट में पहुँचाते हैं। तो कॉइल को हम कुछ इस तरह से पलट लेते हैं तो राइट टू राइट में ये हमारी जो कनेक्शन चल जाएगी। तो एक स्लॉट छोड़ के दोस्तों यहाँ पर मुझे कॉइल को डाल लेनी है। अगला वाला जो कॉइल है फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे 2 स्लॉट छोड़ के और 3री स्लॉट में जाकर हम कॉइल को इंस्टॉल कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो है 1 राउंड कम्प्लीट हो चुकी है, 1 राउंड हो चुकी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या करनी है, फिर से हम कॉइल को जो है कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर जो है स्लॉट में डाल देते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम डाल लेते हैं जल्दी से जो 1 स्लॉट छोड़ा था उसमें और यहाँ पे जिसमें हमने डाला हुआ है उसके जस्ट अगले वाला स्लॉट में। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे जो है 1 राउंड यहाँ पे 1 से 6 में हो चुकी है। सेपरेटर पेपर एक तरफ से लगा देते हैं, हम जो है 2री राउंड भी कम्प्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है फोल्ड फिर से इस तरह से कर लेनी है और उसी स्लॉट में डाल देनी है। आइए फ्रेंड्स यहाँ पर इस कॉइल को जल्दी से डाल लेता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे 3री कॉइल भी हमने यहाँ पे जो है डाल के कंप्लीट कर लिया है। बात आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 4थी कॉइल की। 4थी कॉइल को डालने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे कॉइल की कनेक्शन देख लेनी है। 1 से 3 में यहाँ पे जो कॉइल को लूप को हमें जो है पहुँचानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो लूप निकली हुई है ये हमारी जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ निकली हुई है, तो इसे हमें यहाँ पे जो है लेफ्ट में पहुँचानी है।
तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कॉइल को हमें यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे जहाँ कॉइल को पलट लेते हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ कनेक्शन फ्रेंड्स यहाँ पे देखते जाने हैं, किसी भी हर हाल में 1 से 3 आपको यहाँ पे जो है कॉइल की कनेक्शन जरूर पहुँचानी है। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक तरफ से हम सबसे पहले एक स्लॉट छोड़ के और कॉइल को हम जो है एक स्लॉट में डाल देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे दो स्लॉट छोड़ के और तीसरी स्लॉट में जाकर हम कॉइल को इंस्टॉल कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे 1 से 6 में 2 राउंड करनी है। तो आइए हम कॉइल को कुछ इस तरह से हम फिर से पलटेंगे और यहाँ पर जो है स्लॉट में डाल देते हैं। तो 1 से 6 फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो 1 राउंड कम्प्लीट हुई है। आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम दूसरा राउंड भी कम्प्लीट कर लेते हैं, पकड़ेंगे और यहाँ पर मुझे फोल्ड इस तरह से कर लेनी है और उसी स्लॉट में जाकर हम कॉइल को इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पर हमारी जो चौथी कॉइल भी पूरी तरह से डल के कम्प्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें क्या करनी है, कॉइल को अच्छी तरह से शेप में ले आनी है और यहाँ पे कॉइल को हमें डालनी है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम 3 वायर जो कनेक्शन करते हैं उसे हमें किस तरह से करनी है, तो आइए आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे काफ़ी बार ऐसा आता है कि हम कॉइल से जो है 4 वायर निकाल देते हैं, 2 स्टार्टिंग पर से और 2 रनिंग पर से कॉमन दोस्तों यहाँ पर हम बाहर बनाते हैं। दोस्तों इसके अंदर से हम कॉमन बनाएंगे और डायरेक्ट हम कॉइल को बाहर निकालेंगे, तो आगे मैं आपको बताऊँगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा, जब भी आप कॉइल को जो इंस्टॉल कर लेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा हमारी जो लूप दोनों निकली है दोस्तों, ये दोनों एक साइड की तरफ निकली है कि नहीं। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट में अगर निकली है दोस्तों तो यहाँ पे दोनों लेफ्ट में ही निकलेगी, अगर दोस्तों यहाँ पे राइट में निकली हुई है दोनों राइट में ही निकलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे राइट में है, तो ये लूप भी आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट में ही निकली है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देख लेनी है, अगर ये आपकी सही रहेगी फ्रेंड्स तो आगे आपके यहाँ पे जो सभी कॉइल भी यहाँ पे जो सही सही डलेगी। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम स्टार्टिंग कॉइल की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है ले लिया है 32 नंबर की वायर और यहाँ पे चलिए हम कॉइल को डालते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहला नंबर हम कॉइल को उठा लेते हैं, एक कॉइल को। आपको जो है एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैं कॉमन बनाता हूँ तो हमारी जो है हमेशा दोस्तों यहाँ पर रनिंग पे ही चलती है। तो हम कहाँ से शुरू करते हैं वायरिंग को दोस्तों, इसको हमें यहाँ पर जो है बीच से शुरू नहीं करनी है, यानी कि कई बार यहाँ पर जो क्या होता है इसके बीच से हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या करनी है, इसके बीच से शुरू नहीं करनी है, शुरू करनी है फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे एक घर बढ़ा के, यानी कि यहाँ से हमें शुरू नहीं करके यहाँ पर फ्रेंड्स हमें जो है लूप को निकालनी है। इस लूप के हमें यहाँ पे जो आगे वाली घर में हमें यहाँ पे जो है लूप को निकालनी है, चलिए आपको मैं बताता हूँ। और जो हमारी लास्ट कॉइल होगी दोस्तों वो लूप हमारे यहाँ पे जो है बीच में आनी चाहिए। तो इससे हम यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस 2 वायर को यहाँ पे जो हमारी लूप लीड आएगी लास्ट में वो लीड हम जोड़ देंगे, कॉमन हमारे यहाँ पे जो सही होगी और रनिंग पे ही चलेगी। आपको मैं आगे दिखाऊंगा, बस देखते रहिए वीडियो को। एक स्लॉट में हम यहाँ पे जो है कॉइल को डाल लिया है और दोस्तों इसे हम लॉक करते हैं। यहाँ पे 2 स्लॉट छोड़ के ये वाली स्लॉट और ये वाली स्लॉट छोड़ के यहाँ पे हमें अगली स्लॉट में जाके डाल देनी है, जहाँ पे हमारी जो है रनिंग की एक कॉइल जो है डली हुई है उसी पर हमें यहाँ पे जो है डाल देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लीजिए ये लूप हमारी किस तरह से निकली है, रनिंग की यहाँ पर हमारी जो शुरू हुई थी और यहाँ पे जाके खत्म हुई है। और दोस्तों यहाँ से हम फिर से शुरू कर रहे हैं स्टार्टिंग की, यहाँ पे हमारी जाके खत्म होगी, इसके बीच में यहाँ पर हमारी जो ये लीड आ जाएगी लास्ट वाली। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉइल को जो है फिर से बैक साइड से आते हैं, कॉइल को हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और 1 से 6 हमें यहाँ पर जो है 2 राउंड करनी है, तो उसी स्लॉट में यहाँ पर मुझे डाल देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हम कॉइल को जो है कुछ इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर जो है फोल्ड कर लेनी है इस तरह से और उसी स्लॉट में यहाँ पर जो है कॉइल को डाल देते हैं, कर लेते हैं और इसे हम लॉक कर देते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कॉइल हमारे यहाँ पे जो है स्टार्टिंग की डल के कम्प्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स इसी तरह यहाँ पर हमें जो है दूसरी कॉइल को भी डालनी है, तो यहाँ पे आपको जो है सिर्फ कनेक्शन मिला लेनी है और यहाँ पे कॉइल को जो है डाल लेनी है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर आप कनेक्शन देख लीजिए, कनेक्शन निकली हुई है, ये लेफ्ट में निकली हुई थी तो इसे हमने यहाँ पे जो है लेफ्ट में पहुँचाया, आप देख सकते हैं ये हमारे जो है लेफ्ट में जा चुकी है। तो यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं 1, 2, 3 से 3 में फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो कनेक्शन ये जा चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कॉइल को जो है कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और कॉइल को हम जो है स्लॉट में डाल देंगे। तो यहाँ पर हम जो है इस वाली स्लॉट में जो हमारी खाली है यहाँ पर हम डाल देते हैं और यहाँ पर हम डालेंगे 2 राउंड। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो है दूसरी कॉइल भी कंप्लीट हो चुकी है डल के। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो है तीसरी कॉइल की बात आती है, आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम तीसरी और चौथी दोनों कॉइल को हम यहाँ पे जो स्लॉट में डाल लेते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कनेक्शन करके और यहाँ पे आपको मैं चलाकर भी बताऊंगा दोस्तों यहाँ पे जो मोटर दोस्तों ये अच्छी वर्क कर रही है कि नहीं, इसकी स्पीड दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है कि नहीं। तो आइए आपको मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉइल डाल लेता हूँ और आपको मैं यहाँ पे सारा चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल की भी यहाँ पे 4 सेट यहाँ पे डाल के कम्प्लीट कर लिया है।
दोस्तों यहाँ पे अब हमारी बात आती है कनेक्शन की। दोस्तों कनेक्शन करने से पहले हमें यहाँ पे क्या करनी है, फ्रंट साइड से हमें जो है सिलाई कर लेनी है। दोस्तों यहाँ पे एक जो है रनिंग और स्टार्टिंग के बीच सेपरेटर पेपर हमने यहाँ पे जो है लगा लिया है। दोस्तों ये बहुत जरूरी होता लगाना, यहाँ पे ये लगाने की दोस्तों यहाँ पे यही मकसद है कि दो क्वाइल एक दूसरे से आपस में अटैच ना हो। और यहाँ पे चलिए हम सिलाई जल्दी से कर लेते हैं। इसे सिलाई करके और आपको मैं यहाँ पे चला के दिखाऊंगा दोस्तों यहाँ पे इस पंखे की स्पीड कैसा बन रहा है और यहाँ पे मोटर हमारी यहाँ पे हीट भी हो रही है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ सबसे पहले सिलाई करता हूँ। बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पे अब कनेक्शन की। कनेक्शन करने से पहले दोस्तों यहाँ पे मुझे रनिंग और स्टार्टिंग के बीच फिर से मुझे एक सेपरेटर पेपर लगा लेनी है। दो लूप दोस्तों यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग कॉइल की है, दो लूप फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी रनिंग कॉइल की है। दोस्तों यहाँ पे आप कनेक्शन किस तरह से करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। यानी कि आप जो है मोटर से यहाँ पे चार वायर निकालना चाहते हैं या थ्री वायर निकालना चाहते हैं या फ्रेंड्स यहाँ पे दो कैपेसिटर की या दो यहाँ पे जो सप्लाई की निकालना चाहते हैं, जिस तरह से आपकी इच्छा होगी दोस्तों उस तरह से आप जो है कनेक्शन कर सकते हैं। इस मोटर के अंदर से टोटल यहाँ पे हम जो है थ्री वायर निकालने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है तीन फ्लेक्सिबल वायर ले लिया है। दोस्तों यहाँ पे एक जो आप रेड देख रहे हैं इसे हम कॉमन पे यूज करेंगे, दूसरा दोस्तों यहाँ पे येलो देख रहे हैं इसे हम यहाँ पे जो स्टार्टिंग कॉइल पे यूज करेंगे, तीसरा फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप ब्लैक वायर देख रहे हैं दोस्तों हम रनिंग कॉइल पे कनेक्ट करेंगे। आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे थ्री वायर की कनेक्शन करने से पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हम जिस दो वायर पे कनेक्ट करेंगे दोस्तों वो हमारी कॉमन होगी और रनिंग पे हमेशा दोस्तों हमारी सप्लाई होनी चाहिए। यानी कि एक सप्लाई की वायर दोस्तों यहाँ पे कॉमन पे कनेक्ट होगी, दूसरा जो हमारी सप्लाई होती है दोस्तों उसे हमें जो है रनिंग पे कनेक्ट करनी होती है। यानी कि स्टार्टिंग हमारी हमेशा दोस्तों यहाँ पे ऑफ रहती है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पे कनेक्शन करनी है। दोस्तों हम जिस हिसाब से मोटर को रिवाइंड किए हैं अगर इस दो वायर को हम यहाँ पे कॉमन बनाते हैं तो हमारी मोटर फ्रेंड्स 100% रनिंग कॉइल पे चलेगी। यानी कि सप्लाई हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, हमारी मोटर दोस्तों यहाँ पे सीधी दिशा में दोस्तों यहाँ पे चलेगी। ये फ्रेंड्स यहाँ पे हम जीरो नंबर की चार टोटल यहाँ पे स्लीव लेंगे और चारों लूप में हम यहाँ पे एक एक करके पहना देंगे। सो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पे चारों लूप में जो है स्लीव लगा लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कनेक्शन करनी है। दोस्तों सबसे पहला नंबर आपको यहाँ पे कॉमन बनानी है, तो कॉमन बनाने से पहले दोस्तों हमें यहाँ वायर का जो इंसुलेशन यहाँ पे लगी हुई है दोस्तों इसे हमें यहाँ पे जो हटाना पड़ेगा। एक जो हमारी रेड वायर दोस्तों इस रेड वायर को हम कॉमन पे यूज करेंगे। यानी कि एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की जो लूप हम यहाँ पे एक साथ कनेक्ट करने वाले दोस्तों उस पर हम यहाँ पे जो है रेड वायर को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो हमारी ब्लैक वायर होगी इसे दोस्तों हम रनिंग कॉइल की लूप जो हमारी है इस पर हम कनेक्ट करेंगे। दोस्तों जो हमारी येलो वायर है दोस्तों ये हमारी स्टार्टिंग कॉइल की लूप आप देख रहे हैं इस पर हम कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने जो तीनों पे एक एक वायर को कनेक्ट कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे वायर को कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो है तीन यहाँ पे जो स्लीव की जरूरत पड़ेगी जो हमने यहाँ पे जो तीन नंबर की ली है। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो एक एक स्लीव जो है इस लूप पे लगा देते हैं। जब आप स्लीव लगा लेते हैं तो वायर को कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे जो मोड़ के और वायर को हमें जो बाहर निकाल लेनी है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो है वायर को जल्दी से बाहर निकाल लेते हैं और मोटर को दोस्तों यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम दोस्तों इस वायर को एक जगह करके और यहाँ पर हम टाई की मदद से लूप को एक जगह पे बांध देते हैं ताकि यहाँ पर मुझे सिलाई करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इस तरह से वायर को जो है बांध लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे धागा लेके दोस्तों मोटर को सिलाई कर लेनी है। दोस्तों आपको जिस तरह से इच्छा होगी आप जो है सिलाई कर सकते हैं। हमने फ्रेंड्स यहाँ पे मोटर को कुछ इस तरह से सिलाई कर लिया, इसे तो कितनी अच्छी यहाँ पे जो है क्वाइल फिनिशिंग हमारी दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पे सिलाई जो है आप पे निर्भर करता है यहाँ पे आप किस तरह से सिलाई करना चाहते हैं। फ्रेंड्स मोटर को फिट करने से पहले हमें यहाँ पे इसकी वाइंडिंग चेक कर लेनी है, वाइंडिंग हमारी सही है कि नहीं और यहाँ पे बड़ी तो नहीं है। तो हमें यहाँ पे सारा चीज चेक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मोटर को फिट करनी है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो है वाइंडिंग को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी जो है दोनों वाइंडिंग बिल्कुल सही बता रही है, तो हम एक बार बड़ी भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे जो है बड़ी नहीं है। तो दोस्तों आइए अब हम मोटर को फिट करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसकी बॉडी ले लिया, आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस मोटर को फिट करते हैं। तो जल्दी से फ्रेंड्स इस मोटर को हम फिट करके और आपको मैं यहाँ पे चला के दिखाता हूँ यहाँ पे ये सही से चल रही है कि नहीं। यहाँ पर हमने जब मोटर को पूरी अच्छी तरह से फिट कर लिया है, आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम कनेक्शन करते हैं और आपको मैं यहाँ पे ट्रायल करके दिखाता हूँ हमारी मोटर यहाँ पे किस तरह से चल रही है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने जो 4 MFD की एक कैपेसिटर लेके और यहाँ पर हमने जो एक ब्लैक पे और एक येलो पे कनेक्ट कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे इस येलो वायर पे हमें यहाँ पे टेप कर लेनी है सप्लाई। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें कनेक्ट करनी है एक ब्लैक वायर पे और एक यहाँ पे रेड वायर पे। रेड वायर पे हमें न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करनी है और फेस सप्लाई को हमें यहाँ पे जो है ब्लैक पे कनेक्ट करनी है। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर मोटर को चला कर देखते हैं हमारी मोटर दोस्तों
यहाँ पे ये रन करती है कि नहीं। यहाँ पे डायरेक्शन दिखाने के लिए एक यहाँ पर हम जो टेप लगा देते हैं ताकि आपको डायरेक्शन पता चल सके और हमारी मोटर की स्पीड भी पता लग सके। तो हमने यहाँ पे जो एक वायर टेप लगा दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो रेड वायर को ब्लैक पे कनेक्ट कर रहे हैं और येल्लो वायर को यानी कि न्यूट्रल वायर को दोस्तों हम यहाँ पे रेड पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सप्लाई दे रहा हूँ और आप देख सकते हो मोटर हमारी यहाँ पे जो कुछ इस तरह से चल रही है यानी कि क्लॉक वाइज हमारी मोटर यहाँ पे चल रही है। हमने आपको जिस तरह से कनेक्शन करना आपको बताया था दोस्तों 100% यहाँ पे रनिंग पे ही चल रही है, आप देख सकते हो क्लॉक वाइज। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारी मोटर यहाँ पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे रन कर रही है। यहीं पे अगर इसकी स्पीड की बात की जाए दोस्तों आप देख सकते हो हम कुछ इस तरह से पकड़े हुए हैं तो काफ़ी यहाँ पे जो है अच्छी स्पीड दे रही है यानी कि मोटर में स्पीड की आपको जो है थोड़ा भी कमी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप जो है कूलर मोटर को आसानी से रिवाइंड कर सकते हैं। जो डाटा हमने आपसे शेयर किया दोस्तों वो काफ़ी अच्छी डाटा है यानी कि आपकी मोटर दोस्तों काफ़ी अच्छी यहाँ पे वर्क करेगी। और फ्रेंड्स स्पीड की बात ही नहीं, आपको अच्छी खासी यहाँ पे जो है स्पीड मिलेगी, कोई भी दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं है। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिली हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि न्यू लेटेस्ट हमारी आने वाली वीडियो जो है आप लोग को जल्द देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो और किसी नए फूल के साथ, तब तक के लिए अलविदा और टेक केयर, बाय बाय।